हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा टैबलेट। आप सभी का स्वागत है मेरा टैबलेट पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि विदाउट सब्सक्राइबर अपने चैनल के 4000 वॉच टाइम भी कंप्लीट करना और उससे अर्निंग भी करना, अभी तक आपको ऐसा, मतलब आई डोंट थिंक ऐसा नॉलेज किसी ने आपको दिया होगा यूट्यूब पे। मैं थोड़ा सा ट्रिकी हूँ, थोड़ा सा अलग नॉलेज आपको दूंगा, थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट, थोड़ा सा यूनिक ट्रिक आपको बताना है इस वीडियो में। पूरा एंड तक वॉच कीजिए, और एंड तक वॉच इसलिए भी कीजिए क्योंकि लास्ट में मैंने एक बहुत स्पेशल ऑफर रखा है जो कि अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताता हूँ, ठीक है? जस्ट स्टार्ट। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा दोस्तों कि विदाउट 4000 वॉच टाइम, जो हमारे एक, आपको पता है, जब भी आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को जब ऑनलाइन अर्निंग करनी रहती है, सबसे फर्स्ट आप लोग यूट्यूब पे आते हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो, एंड देन आप लोग वहाँ से डीमोटिवेट इसलिए हो जाते हो क्योंकि वहाँ पे आपको जो पड़ाव रहता है फर्स्ट 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करने का, 1000 सब्सक्राइबर्स एंड देन कंटिन्यू व्यूज लाना, और फिर उस पर अर्निंग उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट क्लियर करने वाला हूँ। बिना 4000 घंटे कंप्लीट किए, बिना 1000 कंप्लीट किए, आपका चैनल एक तो मोनेटाइज होगा, वो दूसरी बात है, बट आप उससे अर्निंग कर पाओगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? दोस्तों, जब भी आप यूट्यूब पे आते हो ना, तो कुछ अलग ट्रिक लेकर आना चाहिए, कुछ अलग कंसेप्ट लेकर आना चाहिए। सेम अगर आप कॉपी करोगे जो ऑलरेडी मार्केट में है, वही सेम कंसेप्ट लेके आओगे, वही सारी नॉलेज अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे दोगे, तो डेफिनेटली कोई भी नहीं आपके चैनल पे विजिट करेगा, और कोई भी, क्योंकि वो जब ऑलरेडी अदर चैनल पे विजिट डेली, जिससे वो स्टार्टिंग से सीख रहे, वो आपके चैनल पे क्यों भला आएंगे, ठीक है? कुछ, जब तक आप कुछ यूनिक, जब तक आप कुछ अलग लेके नहीं आओगे, तब तक वो आएंगे नहीं, ठीक है? खैर, अगर आप कुछ अलग लेके आ भी जाते हो, समझो आपने कुछ एक नया ट्रिक ला दिया अपने यूट्यूब चैनल पर, कुछ एक नया अलग सिखा रहे हो, ठीक है, फिर भी विजिटर स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, बाद में डेफिनेटली आते हैं, जब वो थोड़ा सा वायरल हो जाता है, कोई एक दो वीडियो वायरल हो जाता है, तो डेफिनेटली यूजर्स, विजिटर्स आने लगते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग में एक भी यूज़र नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट थोड़ा यूनिक है, तो क्या करना चाहिए, ठीक है? स्टार्टिंग में अगर आपका, पहली बात तो थोड़ा माइंड को क्लियर कीजिए अपने, ठीक है? थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आपको एक दिन लीजिए, दो दिन लीजिए, थोड़ा सोचिए, सोचना चाहिए, कभी भी इतना याद रखिए कि कुछ सोचिए, कुछ करने से पहले उसको कंप्लीट सोचो कि अगर मैं ये लाऊंगा तो मुझे इससे कौन कौन से तरीके से इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि मैंने मेरा YouTube चैनल ओपन किया था, ठीक है, मेरा थोड़ा अलग कंसेप्ट था, हालांकि ये कंसेप्ट ऑलरेडी मार्केट में यूज़ कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि मैंने ही सिर्फ अलग लाया है, ठीक है, लेकिन मेरे इसमें थोड़ा करने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग है, ठीक है? जब मैंने ये कंसेप्ट सोचा, एट दैट टाइम मैंने ये भी सोच लिया था कि मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर तो होंगे नहीं, मेरे YouTube चैनल पर व्यूज़ भी नहीं आएंगे। मैं जानता था मेरे चैनल पर अगर 100 व्यूज़ भी आएंगे तो भी मैं एटलीस्ट मंथली 50,000 अबाव अर्न कर पाऊंगा, ये मैंने पहले ही सोच लिया था। तो पहले आपको भी सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या नया कंसेप्ट लाऊं। पहले आप यूनिक कंसेप्ट ले लीजिए, ठीक है? विजिटर्स, यूजर्स ऑटोमेटिकली आएंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है? थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट आपने ट्राई कर लिया, ले लिया, देन सेकेंड स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सेकेंड स्टेप मैं आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, ठीक है, जिसको मैंने भी स्टार्टिंग में ट्राई किया है, ठीक है? उस एप्लीकेशन को आप किसी भी डेवलपर से बना लीजिए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है, या फिर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपके वीडियोज़, जो भी आप कंसेप्ट नया लेकर आए हैं, समझो आपने 10-15 वीडियो बना लिए उसके ऊपर, ठीक है, वो वीडियो को सारे इंपोर्ट या फिर आप इंटीग्रेट कर दीजिए उस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है? उस एप्लीकेशन को आपने प्ले स्टोर पर लाइव कर दिया, ठीक है, और लाइव करने के बाद उस एप्लीकेशन को थोड़ा सा बूस्ट करना है आपको, थोड़ा इट मीन्स जैसे कि एक 5 to 10,000 का अच्छा खासा प्रमोशन उसको कर दीजिए, ठीक है? 5 to 10,000 अगर आपका बजट नहीं है, 3 to 4,000 में भी आप कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा कहाँ कैसे प्रमोट करना है, ठीक है? लो बजट में आप अच्छा खासा यूजर्स भी ले सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपके 1000 एक्टिव यूज़र हो गए, ठीक है? 1000 आपके एक्टिव यूज़र हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि आप पर डे का $3 to $5 के बीच में अर्निंग करने लगे, यानी कि मंथली आपका एक 5 से 10,000 के बीच में आपका रेवेन्यू आने लगा। इट मीन्स कि आप थोड़े से मोटिवेट हो चुके हो, आपका थोड़ा सा रेवेन्यू आ रहा है हर मंथ, ठीक है? आप मोटिवेट ही रहोगे क्योंकि रेवेन्यू आ रहा है आपका एडसेंस से, ठीक है? अर्निंग आपकी हो रही है आपके एप्लीकेशन से, ठीक है? अब आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो जाओगे कि भाई मेरे को वीडियो नहीं बनाना डेली। अब आप हमेशा मोटिवेट रहोगे, मेरे को वीडियो बनाना है, भले मेरे यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ आए ना आए, लेकिन मेरे को बनाना है क्योंकि मेरे एप्लीकेशन पे व्यूज़ आते हैं, मेरे 1000 यूजर्स मुझे डेली वॉच कर रहे हैं, उनकी वजह से मुझे अर्निंग हो रही है, ठीक है? और क्या होगा, जो 1000 वो यूजर्स है ना, वो आपको वॉच टाइम कंप्लीट करा देंगे आपके चैनल का, क्योंकि लिंक तो वही इंटीग्रेट हो रहा है आपके एप्लीकेशन में, ठीक है? 4000 घंटे का आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, आपके एप्लीकेशन से अर्निंग स्टार्ट है, वहाँ आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक है? वहाँ से आपकी कुछ
ऐसा ज़्यादा नहीं आएगा, एक कुछ कह सकते हो मतलब 2-3 महीने में आपका लगभग $100 बनेगा, लगभग 7,000, ऐसा ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन वो जो वॉच टाइम यहाँ पे जो कंप्लीट हो रहा है ना आपका, उसमें से 3-4 महीने में अगर आप डेली कंटिन्यू अपडेट रह रहे हो कुछ अलग कंसेप्ट लेके, कोई एक वीडियो भी वायरल हो गया 50 से 60,000 जिस पे व्यूज़ आ गए, मतलब आपके 2-3-4,000-5,000 एक्टिव व्यूज़ आने लगे वहाँ पे, आपने अपने चैनल पे जिस वीडियो को जो वायरल हुआ उस पे एंड स्क्रीन अच्छा लगा दीजिए, वहाँ पे अपने एप्लीकेशन का जो ये है डेमो स्क्रीन या कुछ एक 10 सेकंड का प्रोमो वीडियो बना के प्रमोट कर दीजिए, वहाँ से और यूज़र आपके एप्लीकेशन पे आ गए, यानी जहाँ 1,000 यूज़र थे वहाँ आपके 3 से 4,000 यूज़र हो गए एक्टिव, इट मीन्स कि आप अपने एप्लीकेशन से 15 से 20,000-25,000 तक अर्निंग कर रहे हो, आप और ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे, और ज़्यादा कंटिन्यूसली वीडियो बनाओगे, और भी मतलब अपडेट रहोगे अपने एप्लीकेशन पर भी और अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि वीडियो तो एक ही जगह बनाना है, डालना यूट्यूब पर, लेकिन चल दोनों जगह रहा है, अर्निंग आपकी दोनों जगह से हो रही है, ठीक है। इस तरह करके आपका एक अच्छा वे बन जाएगा, सब्सक्राइबर भी बन जाएंगे आपका, एक यू नो जो आप चाहते थे वो एग्जैक्टली हो जाएगा, एफिलिएट मार्केटिंग मतलब एक स्टार्टअप के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने खुद ये यूज़ किया आइडिया, आपको भी यूज़ करना चाहिए, और एप्लीकेशन मैं जो बता रहा हूँ ना उसके अंदर सिर्फ आपकी यूट्यूब की वीडियोज़ ही रहेंगे, कोई अदर वीडियोज़ नहीं डालना आपको, ठीक है। अर्निंग होगी आपकी अच्छी खासी होगी, ठीक है, इंट्रोडिशियल एड, बैनर एड, वहाँ पर एंट्री एड, क्योंकि एड स्टार्टिंग में यहाँ पर ऑन हो जाता है, ठीक है। ऑन होने के बाद इसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, आपको जब ये यहाँ से जब आपको अर्निंग हो जा रही है स्टार्टिंग, मतलब आपके एप्लीकेशन से अर्निंग हो रही है, यूट्यूब से हो रही है, तो एफिलिएट मार्केटिंग को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, ठीक है। इवन मैंने खुद स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और जो लास्ट का जो ऑफर था, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा कोर्स है, आप सभी को पता है जो हमारा ऑफिशियल कोर्स है मेरा टैम्पलेट का, जो कि मैंने 25,000 में अब तक सेल किया है, एक बार ऑफर में निकाला था मैंने 5,000 में, लेकिन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे मतलब में भी हो सकता है कि उनको शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सारे कमेंट्स आए थे उनके कि भैया प्लीज़ आपका जो ऑफिशियल कोर्स है हमारे लिए सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए एटलीस्ट कोई ऐसा ऑफर निकालो कि हम उसे अफोर्डेबल प्राइस में हम उसे बाय कर सकें, ठीक है। तो मैंने फाइनली सिर्फ 2 आवर्स के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए सोचा कि मैं उसे ओनली 1,000 सेल करूंगा, ठीक है। सिर्फ 2 घंटे के लिए आपके लिए ऑफर है स्पेशल, 1,000 में आपको मेरा कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा, आप कम्युनिटी में जाके ऑफर को देख सकते हो। आपको चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए मुझे, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जब भी ऑन द स्पॉट सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, मिस बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वाकई क्या करना आपको सब अच्छे से पता ही है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।